अरे कंडक्टर, हाँ, कोडिंग गरिंग के पहले स्टॉप पर मुझे उतार देना। वहाँ पर बस स्टॉप नहीं है, मैं आपको थोड़ा पहले उतार दूंगा, आप 2 किलोमीटर चलकर पहुँच जाएंगे। ठीक है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर पांडियन बोल रहा हूँ। भास्कर बोल रहे हैं क्या? हाँ भास्कर बोल रहा हूँ। मैं कोडिंगनी बस स्टॉप से चलकर आ रहा हूँ। जल्दी से जीप भेजो। हाँ ठीक है सर। पुलिस स्टेशन का रास्ता कौन सा है? ऐसे घूर क्या रहा है? मैं यहाँ का नया इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस स्टेशन का बोर्ड झाड़ियों में छुप गया है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ कर रहूंगा तुझे। कहाँ चला गया? पुलिस वाले का सामान लेकर भाग गया। इंस्पेक्टर साहब। हाँ मैं ही हूँ। तुम भास्कर हो ना? हाँ साहब। ये कैसा गांव है? आते ही मेरा सामान किसी ने चुरा लिया? पहले दिन ही उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। माफी चाहता हूँ सर, नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। शायद उन्हें पता नहीं था कि आप इंस्पेक्टर हैं। नहीं नहीं, मैंने उसे बताया था कि मैं इंस्पेक्टर हूँ। चलो गाड़ी बढ़ाओ। जी सर। ये जंगली लोगों का गांव है सर। ऑफिसर्स लोगों को यहाँ आए 6 महीने हो गए। सर आप तो यहाँ पर कल आने वाले थे ना, एक दिन पहले ही कैसे आ गए? क्यों, पहले आने से कोई तकलीफ है क्या? और तुम तो कांस्टेबल हो, ड्राइवर कहाँ है? हमारे स्टेशन पर कुल मिलाकर 4 ही लोग हैं सर। हमें लगा कि आप कल आएंगे, इसलिए बाकी लोगों ने छुट्टी ले ली। इत्तेफाक से मैं थाने पर ही था सर। लेकिन क्यों, तुम्हें भी छुट्टी लेकर घर पर आराम करना चाहिए था। इंस्पेक्टर के ना होने का तुम लोग फायदा उठाते हो और छुट्टियाँ लेकर घर पर मजे करते हो। अब मैं आ गया हूँ, अब देखता हूँ। सर सबको फोन करके बुला लो क्या? अब आकर क्या कर लेंगे वो सब, कल ही आने दो। ये बताओ गांव वाले सब क्रिमिनल है क्या? सर ये आदिवासी अलग किस्म के लोग होते हैं, सब के सब चोर हैं। पहले तो वो लोग चोरी करते हैं, फिर मासूम होने का दिखावा, पूरा का पूरा बकरा निकल जाते हैं, लेकिन हड्डी नहीं दिखाई देती। आप तो अभी अभी आए हैं साहब, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा आपको। इन लोगों की वजह से 2 लोगों की जान गई है यहाँ पर। अच्छा तो तुम मुझे डरा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं प्रमोशन के लिए आया हूँ? इसके पहले यहाँ पर 2 इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है जिसकी इंक्वायरी मुझे करनी है। तुम्हें क्या लगता है डिपार्टमेंट सो रहा है? मैं 5 दिन में सारी इंक्वायरी कंप्लीट कर लूंगा। जो आता है पहले ऐसे ही शेर बनता है। अच्छा ये बताओ पहले इंस्पेक्टर की मौत कैसे हुई थी? सर इसी टंकी में उसकी लाश मिली थी। इसमें? जी साहब। हाँ।
यहाँ एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये पता नहीं चला कि ये मर्डर है या सुसाइड। इसी कंफ्यूजन में हम भी हैं सर, मर्डर का कोई भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए केस अभी तक पेंडिंग है। अच्छा, ये दूसरे इंस्पेक्टर का क्या नाम था? सुल्तान सर। और उसकी मौत कैसे हुई? इस पंखे में उसकी बॉडी लटकी थी सर। ठीक है, थोड़ा पानी लेकर आना। लाता हूं सर। हाँ बोलो। मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। हाँ हाँ, क्वार्टर अच्छा ही होगा, मैं बाद में जाकर चेक करूंगा। कल तुम आते समय एक यूनिफॉर्म और ले आना। क्यों, क्या सवाल मत करो, जितना बोला उतना करो और आराम से आ जाओ। चलो रखो फोन अभी। सर, 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 पानी सर। क्या बात है, टेंशन में लग रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। आपका क्वार्टर बगल में ही, जाना चाहेंगे सर? वो सब मैं बाद में देखूंगा, पहले इन गांव वालों के बारे में बताओ। यहां पर एक छोटा सा गांव है सर, कहीं भी डांका डालकर चोर और डाकू यहीं आकर अपना ठिकाना बनाते हैं। कभी कभी इनको ढूंढते हुए सीबीआई भी यहां पर आती है। चोरी को भी ये लोग त्योहार की तरह मनाते हैं सर। यात्रा जीत दिलाती है, जंगल में कहीं भी घूमो लेकिन अंत में अपनों के पास ही आना पड़ता है। जीत हमारी होगी। स्वामी आशीर्वाद दीजिए। जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी।
Thank you very much for your help. My name is James. Thank you. My name is Pitchkas. What? That means screwdriver. That's very funny. This Valladi festival is very traditional. Our youth people going to theft and robbery. Only purpose for stomach. I see. That's why they call tribal. ये सब तुम लोगों की वजह से है. We become bigger. इसे देख के दिल करता है कच्चा खा जाऊं. आप लोग वापस सत्ता में आ गए, हमें बहुत खुशी हुई. आप हम गरीबों की मदद करो साहब. आपके दादा लोगों ने यहाँ दम बनाया, पर ये लोग तो हमें पानी भी नहीं दे रहे. ए, मेरी बात सुन बुढ़िया, तू जो सोच रही है वो नहीं है. ये अलग है, यहाँ सत्ता में नहीं, ये साथ बैठकर बकरे का मांस खाने आए. बकरा ही क्यों, इंसानों को भी काट कर परोस दो. Oh, what does she say? Nothing. The world women is worrying for water problem. Come, please. चलो चलो ढाबा पे खाते हैं. ये लो, खाओ इसे. अरे पापा, छिलका निकाल के दो ना. हाँ हाँ ठीक है, अच्छे से खाओ. सुनिए जी, शहद में डुबा के देती हूँ और अच्छा लगेगा, आपको पसंद है ना. अरे पापा, अकेले ही खा लोगे क्या? अच्छा, मुझे भी तो दो. ये ले, थोड़ा तू भी खा ले. सर, हाँ आओ. कटहल खाने में अच्छा है पर साइज में छोटा है. साहब, पौड़ी के एटीएम मशीन को लोग उठा कर ले गए. वहाँ के इंस्पेक्टर ने फोन किया था, हम दोनों को तुरंत बुलाया है. क्यों, उसका एरिया हमें क्यों बुला रहा है? उनका कहना है कि चोर हमारे ही एरिया के हैं सर. ठीक है, हम जाएंगे. जाओ खेतों से केकड़ा पकड़ के लाओ, बच्चों की छाती में सर्दी हो गई है. पापा, केकड़ा नहीं खाना है मुझे, खरगोश का मीट खाना है. तू टेंशन मत ले, अगले हफ्ते हम शिकार पे जाएंगे. सुनिए सुनिए जी, यहाँ हिरन का मीट मिलेगा क्या? अपना मुंह बंद कर. अरे वो क्राइम है. अच्छा, तुम केकड़ा ही लाना है. अगर और रुका तो हाथी का मीट भी मांगेगा. चलता हूँ साहब मैं. ठीक है, तुम जरा बाहर इंतजार करो. धो 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 इसे अच्छी तरह से धो. आइए सर, देखिए सर क्या अन्याय है, पूरा एटीएम ही उखाड़ ले गए. अरे एटीएम तो ले गए, साथ में यहाँ पर पुट्टी भी कर दिया साहब. ये देखो, उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए सर, देखते ही गोली मार देनी चाहिए उन्हें. कितनी बदबू है, लगता है कटहल खा के आए थे. सर, मुझे बैंक से 5 बार बेस्ट मैनेजर का अवार्ड मिल चुका है. हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुझे डॉक्टर की स्कॉलरशिप भी मिली थी. आज इनकी वजह से मुझे टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है. क्या करे, कैसे करे सर, समझ में नहीं आ रहा. एक दिन के अंदर मुझे वो लोग अंदर चाहिए सर, अदरवाइज वी विल कॉल CBCID. सर थोड़ा सब्र रखिए, सर को इसीलिए यहाँ बुलाया गया है. क्या रखने के लिए बुलाया है? यहाँ सिक्योरिटी नहीं है क्या? यहाँ CCTV कैमरा है, इसीलिए सिक्योरिटी नहीं रखी. सर, इस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या? वो चोर बहुत चालाक थे सर, होशियारी से कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया था. सर शुक्र मनाओ, सिर्फ एटीएम मशीन ही ले गए, एसी तो छोड़ गए है ना. अच्छा, ये आप उन्हें सिखा दीजिए. आप भी सर पुलिस वाले होकर. ओ चलो भाई, सफाई चलो, करो, हम भी बाहर चलते हैं. बाप रे बाप, पता नहीं क्या खा के आए थे, बहुत बदबू थी. मुझे लगता है सर ये सब कुछ आपके एरिया के लोगों ने ही किया है. एविडेंस छुपाने के लिए उन्होंने पोटी किया ताकि किसी को शक ना हो, और उनकी इसी आदत की वजह से वो लोग पकड़े जाने वाले हैं. एनीवे, आप इंक्वायरी शुरू कीजिए. ओके सर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. चलो ए, ये क्या है, केस हमारे ऊपर ढकेल रहे हैं. सर मेरी बात का बुरा मत मानिए, ये इंस्पेक्टर मुझे थोड़ा चालू लगता है. ऐसा क्या? इस चोरी में जरूर कुडंजी गांव वालों का हाथ है, लेकिन किसने किया, कैसे किया, ये सब पता करना थोड़ा मुश्किल है सर. ये सब बताने के लिए एक इन्फॉर्मर है, वो भले ही उनके गांव का है लेकिन उसके अंदर पुलिस बनने का जुनून है. पढ़ा लिखा है साहब, अपने डिपार्टमेंट की बहुत हेल्प करता है वो. उसकी मदद के बिना कुडंजी गांव में कदम रखना मुश्किल है, बहुत ही खतरनाक लोग हैं. ए, क्या पुलिस की वर्दी पहन के डर रहा है? अपनी सर्विस में बहुत से एरिया देखे मैंने, इन्फॉर्मर डिपार्टमेंट के भरोसे होते हैं, ना कि डिपार्टमेंट उनके भरोसे. ए, जीप कुडंजी की तरफ ले चलो.
क्या देख रहा है? हाँ, जा रहा हूँ। यहाँ तमाशा लगाया क्या? चले यहाँ से। चलो 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 टोपी वाले। सुनो बहन, तुम्हें पोछा मारने के लिए कपड़ा चाहिए था ना, ये खाकी वर्दी ले लो। जाने दो, बाद में ले लूंगी। ये है सिगार स्वामी। ए, उठाओ इसे। सुनिए सुनिए, आपसे मिलने के लिए पुलिस वाले आए। ये अपने एरिया के नए इंस्पेक्टर साहब हैं। पौड़ी में एक चोरी हुई है, उसी के बारे में जानना चाहते हैं। जब पंछी ऊपर है तो जमीन पर ढूंढने से क्या होगा? जब पौड़ी में चोरी हुई तो यहाँ पर क्यों मुंह मार रहे हो? ए, ए, तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या? ए, सुनो, कल पौड़ी में चोरी हो गई है और मैं जानता हूँ कि उस चोरी में इसी एरिया के लोगों का हाथ है, उसी की इंक्वायरी करने आया हूँ। मजाक कर रहे हो तुम लोग? सबके सबको उठा के जेल में डाल दूंगा, बहुत ज्यादा समझते हो। अरे पुलिस वालों को तो सिर्फ बहाना चाहिए, चोरी कहीं और होती है और ढूंढने कहीं और जाते हो। ए घटिया पुलिस वाले, धूप में मुझे यहाँ सुलाकर चले गए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अपराधियों से पैसा लेकर उन्हें छोड़ देते हो और झूठा केस बनाकर मासूम लोगों को अंदर डाल देते हो। तुम सबको मैं मारकर मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर ज्यादा जुबान चलाएगी तो खाल खींच लूंगा मैं तेरी। साहब, ऐसी कोई मशीन यहाँ नहीं है, आप कहीं और जाकर ढूंढो। ए स्वामी, तुझे तेरे सवालों को जवाब नहीं मिलेगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या घूर रहा है? ए, चले जाओ यहाँ से। साहब, शैतान नाराज हो रहा है, आप जल्दी से चले जाओ। ए, पत्थर नीचे रखो, जब देखो पत्थर उठा लेते हो। ए भास्कर, चलता हूँ। चलो सब लोग जाओ यहाँ से, स्वामी को आज ग्रहण लगा हुआ है, सारे भूत प्रेत अंदर घुस गए। दिन में उल्लुओं को दिखाई नहीं देता, आपकी उम्र हो गई है, अंधेरा होने के बाद कहीं मत जाया करें। गांव के लड़के बहुत चोरी करने लगे हैं, अब आपको होशियारी से रहना चाहिए, इस तरह घूमने फिरने से क्या होगा। ए, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है क्या? ये लोग पुलिस वाले से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? भूतों का डर दिखा के हमें भगा रहे हैं। साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जंगली लोग हैं। तू भी कैसी बात करता है, वो इन्फॉर्मर कौन है? शिखर नाम है उसका। आजकल पुलिस वाले हमसे भी ज्यादा होशियार हो गए हैं, अब हम सबकी तरह नहीं सोचेंगे। आजकल लोग SMS से चीटिंग करते हैं। अपने पास जो कस्टमर आए हैं उन्हें पहले भरोसा दिलाना होगा, अच्छी ड्रेस पहनना है, गले में टाई और पैरों में जूते पहनने हैं और एकदम स्टाइलिश दिखना है, समझ गए ना तुम लोग? हेलो, हाँ बोलो। हेलो शिखर, हमारे गाँव में पुलिस आई है। क्या पुलिस, लेकिन क्यों? और हम दोनों के पिताजी ने चोरी की है ऐसा कह रहे हैं। पेचकस, ओ पेचकस, क्या बात है सर, आप यहाँ पर? शिखर किधर है? यहीं पर है। बुलाओ उसे। पैसे दो वरना तुम्हारे ऊपर थूक दूंगी। ए सर, उसे पैसा दे दो सर, नहीं तो वर्दी गंदा कर देगी। ये ले बुढ़िया, निकल यहाँ से। इस गांव की तो बुढ़िया भी क्रिमिनल है। हाँ। अरे उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो, मुझे पहले बताना तो चाहिए था। मैंने उन्हें बहुत समझाया, नया नया आया है ना, ना सोता है ना सोने देता है, जब देखो कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, ऑर्डर देता रहता है। साहब, ये है शिखर। नमस्ते सर। तो वो यही है। ए, इसको बता दिया है ना? बता दिया साहब। कौन सी जगह है साहब? शहर जाने वाली रोड पर जो ATM है उसके बारे में। ओ, मैं अभी आता हूँ सर। हम इससे पूछ रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं? सर, तेनी में एक भंगार की दुकान है, वहीं पर वो मशीन है, उस दुकान के मालिक हैं सलीम भाई, मशीन उन्हीं के पास है। ए,
खबर पक्की है ना? मेरी इंक्वायरी कभी गलत नहीं होती सर। ये लो। अरे सर ये क्या है? अरे तेरे लिए दे रहा हूँ, रख ले। सर मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता, मेरा लक्ष्य है एसआई बनना। मैंने अभी अभी एग्जाम दिया है, आप भी सपोर्ट कीजिए ना सर। अच्छा है, देखता हूँ। थैंक्स सर। ए कांस्टेबल सर, गाड़ी निकालो। ठीक है सर। कुछ होगा तो बताना सर। हाँ ठीक है। हे भगवान अभी इसे खरीदे 2 महीने नहीं हुए थे सर, देखिए इसका क्या हाल बना दिया है, कबाड़ कर दिया है बिल्कुल इसे। ए, क्रोसिन दे मेरे को एक। क्या सलीम, तुम तो अच्छे इंसान दिखते हो, ये सब करना ठीक है क्या? साहब यहाँ लाते ही वो आधा टूटा हुआ था, मैंने खरीदने से मना कर दिया था, उसने जबरदस्ती की, अब वो मेरा रेगुलर कस्टमर था इसलिए मुझे खरीदना पड़ा। ऊपर वाला जानता है, यही सच है। कितने में खरीदी मशीन? 1000 रुपए में खरीदी सर। 1000 रुपए? अरे तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? इसके अंदर कितना पैसा था? इसमें कोई पैसा नहीं था साहब। सर फल इसने खा लिया है, खाली छिलका यहाँ फेंका है। भक्खड़ कहीं का। कौन थे वो लोग? उनका नाम बता दिया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। अरे सलीम भाई बैंक का मैटर है, जो भी जानते हो बोल दो। सूडल बाबू, सिगार स्वामी, मयंक। स्वामी जी कैमरा है। कपड़े डाल दो। खुल जा सेम सेम। अरे बेवकूफ फिर से डाल। Hey, ये सारे कार्ड बेकार हैं। एक काम कर, हथियार निकाल। अरे जल्दी कर जल्दी। स्वामी जी अब हम निकले क्या? सारे कार्ड फेंक दो और यहाँ गंदा कर दो। अब जाओ। इतनी बड़ी चोरी करके कान खुजा रहा है क्यों स्वामी? उस दिन जब हम लोग गांव में आए थे तो अनजान बन के नाटक कर रहा था क्या? तो क्या करें, चोरी करें और अपना गुनाह कबूल करें। हमें पकड़ने के लिए तुम्हें सरकार पगार देती है ना? ए, क्यों हंस रहा है? चुप। स्वामी जी आपका नाम क्या है? सिगार। सिगार स्वाटपुरम। सिगार तो ठीक है, ये स्वाटपुरम क्या है? आंध्रा में एक गाँव है साहब, इनके पिताजी का जन्म वही हुआ था, उस गाँव को याद करने के लिए इनका नाम ये रखा गया। ओहो, तुम दोनों जीजा साले हो क्या? हाँ सर, इनकी बहन से मेरी शादी हुई है। सर ये शिखर का बाप है। ओह, तो ये कहानी है क्या? सर केस छोड़कर आप इनकी कहानी सुनने में लग गए, यहाँ कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या? है तुम तीनों में किसने वहाँ पुट्टी की थी? क्यों, उसे ढूंढकर साफ करना है? इसकी हिम्मत देख रहे हैं सर है? अरे इनको तो ऐसे अंदर डालिए कि कभी बाहर ना आ पाए ये लोग। बहुत चालाक बन रहा है, बड़ा बैंक की बात कर रहा है। भिखारी का बैंक है, अंदर कितना पैसा था पता है? जीजा जी हिसाब बताइए। तो सुनिए, टेम्पो का 3000 लगा, फिर अपने पगार का पैसा, खाने का पैसा, पीने का पैसा, ये सब जोड़कर 8500 हो गए। इस भिखारी मशीन में सिर्फ 5500 ही थे। मशीन को तोड़ने के बाद भंगार में बेचा तो 1000 रुपए और मिले। इस तरह से अगर कुल हिसाब लगाया जाए तो 2500 का नुकसान हो गया। सुना तुमने, हमारा ही 2500 का नुकसान हो गया, उस हिसाब से तुम्हें ही हमें पैसे देने चाहिए। अरे जिस बैंक में पैसे नहीं उसमें मशीन क्यों? भिखारियों का बैंक है, सबको बेवकूफ बनाने वाला बैंक। सर अब मैं यहाँ रुकूंगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं इन लोगों से कोर्ट में ही बात करूंगा। ए, चलो सर। अरे चलो ना सर। अरे चलो सर, सुनिए तो। भिखारियों का बैंक सर। भिखारियों का बैंक। ए, तुझे बहुत चर्बी है, एक तो चोरी करते हो ऊपर से मजाक उड़ाते हो। ए भास्कर सर,
इन चारों को अंदर डालो। क्या साहब, मुझे अंदर क्यों डाल रहे हैं साहब? मैनेजर ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर किया है। या अल्लाह, परसों हमारे यहाँ बकरीद है साहब। अच्छा, ये सब चोरी का माल खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। चलो जाओ, 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 चलो, 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 साहब, चलो चलो साहब, बोलो अभी आता हूँ। ठीक है। ए, ए, भास्कर, वो लोग भाग रहे हैं। अरे वो भाग नहीं रहे, चल के जा रहे हैं सर। ए, 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 ए। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। हेम क्लीम चामुंडाय नमः। ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वामी जादू टोना कर रहा है सर। चामुंडाय नमः। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। इस थाने में एक बलि चढ़ेगी, कब्रिस्तान के भूत शाम होते ही थाने के अंदर आ जाना। अरे क्या है, ये पुलिस स्टेशन में ही जादू कर रहा है। सर बगल में कब्रिस्तान है, वहीं से भूत को बुलाकर यहाँ किसी की बलि चढ़ाएगा सर। ये स्वामी नहीं जादूगर भी है, भूतों को उंगलियों पर नचाता है। हे शैतान के बच्चे, इसके बीवी बच्चों की भी बुरी मौत होनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ इनकी इंक्वायरी की है, मेरे परिवार को क्यों बीच में ला रहा है? कल सुबह होते ही यहाँ विनाश हो जाना चाहिए। कल सुबह से पहले कोई खून की उल्टियां करके मरेगा। स्वामी आपने ऐसा क्यों किया? एक आध बार जब लंबी यात्रा होगी तो उसे पता चलेगा भगवान है। तू किस गांव का है? मेरा घर चिन्नामूर में है स्वामी जी। मैं पुराना चोर हूँ। मैं पहाड़ में बाइबल के संवाद लिखने आया था। इन लोगों ने पकड़कर मुझे अंदर कर दिया। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, इन लोगों ने मुझ पर ढेर सारे केस बनाकर मुझे एकदम से लेटा दिया। चोरी करते वक्त अगर सो गया तो ठीक है, लेकिन अगर सुधर गया है तो यहाँ सोने की जरूरत नहीं। बकरे को सामने देखकर शेर वापस थोड़े जाएगा। बकरे को पूरा पूरा निकल जाएगा। हाय मेरे बेटे। ए, क्या हुआ इन्हें? पहले तो कुछ भी खा लेते थे, पच जाता था, पर पता नहीं आज क्या हुआ, किसी ने जादू टोना कर दिया है। खाने में ऐसा क्या दे दिया? छोटी मछली का सालन दिया था। अरे बेवकूफ, मैंने उसे चूहा पकड़ने के लिए लाया था। लेकिन चूहे से पहले इन लोगों ने खा लिया। पता नहीं क्या हुआ, पेट बहुत दर्द हो रहा है पापा। अरे मेरा बेटा, रो मत मेरे शेर, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा। मैंने जो चूहा पकड़ने के लिए रखा था उसे तुम लोगों ने खा लिया। मैं तुम लोगों को अच्छा खाना देता हूँ ना। अरे तुम लोगों में ही तो मेरी जान बचती है। यहाँ विनाश हो जाना चाहिए। अरे देख रही हो, मुंह से खून निकल रहा है। क्या बोल रहे हैं जी? अरे बाप रे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे घर में क्या हो रहा है? कल सुबह से पहले कोई खून की उल्टियां करके मरेगा। आइए सर, गुड मॉर्निंग। सर सर, अरे भास्कर सर, सिगार ग्रुप को पहले छोड़ दो। जी सर। सर आपके लिए चाय लेके आऊं क्या? चुप रहो, मुझे टेंशन मत दो। अरे सुनो सर, गणपति की पूजा करने वाला कोई है? हाँ सर, पास में एक पंडित को मैं पहचानता हूँ, उन्हें मुझसे मिलवाओ। ठीक है, उसे लेकर आता हूँ। उन लोगों से साइन लेके उन्हें छोड़ दो। जी सर। आइए। बहुत बड़े जादूगर लगते हैं। स्वामी
आओ सामने। खुलेआम चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चौड़ा करके आते हैं। ए, तू क्या बाहर आ रहा है, अंदर बैठ। स्वामी जी, मैं भी धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। साल में एक बार जनेऊ पहन के मंदिर भी जाता हूँ। आपने मेरे ऊपर ही जादू कर दिया। अब आपको छोड़ दिया ना स्वामी, अब अपना जादू हटा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर अभी करेगा तो मैं फंस जाऊंगा, एक हफ्ते बाद निकालूंगा। आ? तो अब मैं जा सकता हूँ? जैसी आपकी इच्छा। तेरा भला हो। मिलकर खुशी हुई, आप भी जाइए। स्वामी से बोल के जल्दी जादू खत्म करवाइए। शुक्रिया। हाँ ठीक है। बाप रे, कैसे लोग हैं। स्वामी, आगे से कभी चोरी का माल मेरे पास मत लाना, देखा ना मैं कैसे बिना बात फंस गया था। छोड़ो ये सब, बिना जमानत के हम बाहर आ गए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये भास्कर, पता करो जासूस कौन था। और कौन हो सकता है, आप लोगों पर जादू करते हैं और आपका दामाद आप पर जादू करता है। ए, क्या कर रहा है वो, हमें यहाँ ठीक से काम नहीं करने देता। ऐसे ही चलता रहा तो हम जाति से अलग हो जाएंगे। अभी भी वो कौन सा साथ है, वो तो अलग ही रास्ते पर चल रहा है। बहुत जबान चल रही है, लगता है चर्बी ज्यादा चढ़ गई है। एक बार अच्छी तरह से सोच ले, मैंग का लड़का है वो और स्वामी का दामाद, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। मुझे पता होता कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो मैं उसे बचपन में ही काट डालता। पापा, भैया पुलिस बनेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। अरे इन्हें जरा अच्छे से समझाओ। अच्छा ये बताइए, चोर का बेटा पुलिस नहीं बन सकता क्या? बेटी, शेर और हिरन साथ रह सकते हैं क्या? कुत्ते और बिल्ली में दोस्ती हो सकती है क्या? सुनो, हम में और खाकी वर्दी में जन्म से दुश्मनी है, मेरी नजर में वो लोग ही अपराधी हैं, समझ गई? बड़े आए सत्यवादी। चलो पानी डालो। क्या आप भी हमेशा शिखर पर गुस्सा करते रहते हैं? सुन ले, तुम्हारी और उसकी शादी हमने बचपन में ही तय कर दी थी, सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, और ये तो अपनी ही जात खत्म करना चाहता है, ऐसी उम्मीद नहीं थी उससे। यार शिखर कौन है? उसका लेटर आया। मुझे दे दीजिए लेटर। ऐसे किसी को नहीं दे सकते, ये सरकारी मामला है, उसी को देना पड़ेगा। मुझे नहीं देंगे तो और किसको देंगे? मैं अभी उसकी मंगेतर हूँ, लेकिन बाद में पत्नी बन जाऊंगी। दीजिए मुझे। मेरी बहू है वो, दे दो उसे। अंगूठा लगाओगी या साइन करोगी? सातवीं तक पढ़ाई की है मैंने। ठीक से उसे दे देना, ये गवर्नमेंट का मामला है। अरे बाप रे, इसमें तो इंग्लिश में लिखा है। शायद सरकार के यहाँ से आया होगा, वो पूरा दिन पेचकस के साथ ही रहता है, वहीं जाकर दे दो। हाँ ठीक है। ए, ज्यादा अंदर मत जाओ, नहीं तो कछुआ काट लेगा, तुझे मगरमच्छ समझ के काट लेगा। शिखर, क्या हुआ? ए, संभाल के जाना, नहीं तो लुंगी निकल जाएगी। ए, पानी मत उछाल। बोलो क्या बात है? छी, ये किन लोगों के साथ घूम रहे हो, तुम्हें बराबरी का बिल्कुल ध्यान नहीं। आदमियों के नहाने की जगह पर तुम क्यों आई हो? सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ आने की क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, तुमने जो पुलिस की जासूसी की है ना, उसे घर वाले परेशान हैं, और तुम हो कि यहाँ आकर नहा रहे हो। अच्छा ये लो, पोस्टमैन ने ये लेटर दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा बताओ। अरे क्या लिखा है लेटर में? अरे यार, मैं एसआई एग्जाम में पास हो गया। अरे वाह, क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। मैं सोच रहा था कि आज मैं दारू पीऊं, अब तू हमें खुशी की पार्टी देगा। हाँ, बिल्कुल। अरे ओ फोकटिया लोग, शिखर अभी एसआई बना नहीं है और तुम लोगों को अभी से पार्टी चाहिए। चाहिए ना? अपने पति की तरफ से मैं तुम्हें दो खम्बे के पैसे देती हूँ। परेशान मत होइए, एक बार शिखर एसआई बन गया तो बहुत पैसे वाली हो जाएंगी आप। ये लो पैसे। पैसे मुझे दे, पार्टी के लिए मैंने कहा था। अरे दुकान में इतनी भीड़। हाँ भीड़ तो है, लगता है कोई त्योहार है आज, लगता है कल ड्राई डे है। बंद है? ए भाई, लगता है आज इस भीड़ में क्वार्टर भी मिलना मुश्किल है। तुम यही रहो, ए चल जाके लाते हैं। ये देखो, ए अच्छा हुआ आपने पहले ले लिया। मुझे चाहिए रास्ता। अरे भाई, इन लोगों ने मुझे मारा, उन लोगों को छोड़ना मत भाई, छोड़ना मत। अरे मैं ही तो हूँ,
बच्चों के लिए दो खंबा दे देना। ए, तू तो बोल रहा था कि मैं पुलिस वाला बन के रहूंगा। पुलिस बनने का सपना देख के तू ऐसी हरकतें कर रहा है, तुझे शोभा देती है क्या? अरे अपने ही बच्चे हैं, चल पैसे ले ले, ये पकड़ और दो फूल दे दे। कितना भी समझाऊं इन नशेड़ियों को कुछ समझ में नहीं आता है। ये पकड़, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, तुम्हारे साथी ही ऐसे हैं। तुम आगे बढ़ना चाहते हो और वो तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, ऐसे तुम कैसे पुलिस वाला बनोगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा होगा उनका साथ छोड़ दो। अरे यार, वाइन शॉप वाले ने मेरा मूड खराब कर दिया। कैसे कैसी बातें कर रहा था पता है वो? अरे भाई, वो ही नहीं सभी के सभी, हम जैसे लोगों की जात को देखकर ऊंच नीच की बातें करते रहते हैं भाई। कुछ भी कहो यार, किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करो पर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अरे किसी का कसूर नहीं है, वो सत्ता में जो बैठे हुए हैं ना, वही गलत तरीके से राज कर रहे हैं। अगर तुम पुलिस वाले बन गए ना भाई, तो सिर्फ मुझे नहीं हम सभी को तुम पे गर्व होगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो तुम्हारे मामा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए, फिर भी कदम पीछे मत हटाना। अपनी कुलदेवी तुम्हारे साथ है, तू खाकी वर्दी पहनेगा और अभी इसे पिएगा, ये ले पी, पी जा। सारा सामान अलग कर दिया है, लिखना शुरू करो। कुल मिला के 10 हुए। स्वामी बाल और छोटा कर दो क्या? बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है, थोड़ा और बढ़ने दे, बाद में देखता हूँ। 7 मोबाइल फोन हैं। हाँ और? 12 कंप्यूटर। हाँ सही है। 24 झुमके हैं। झुमके 1, 2, 3, हाँ बराबर है। 7 चेन हैं। बराबर। 4 जोड़ी कंगन। बराबर। 5 घड़ियां हैं। हाँ ठीक है। 150 मेन पर्स हैं। हाँ 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 हैं, बराबर है। 4 बाइक हैं। अच्छा सुनो, पुरानी बाइक को भंगार की दुकान में दे दिया है ना? वो बाइक तो कल ही दे दी थी। 6,53,000 रुपए हुए, इस पर काम कम हुआ। ये सब चीजें बेचने के बाद त्योहार के लिए पैसे तो इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तरफ से इस बार चोरी का माल नहीं आया? माफ कर दो बहन, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए चोरी करने नहीं गया। पिताजी, इनके घर से चोरी करने कोई गया ही नहीं। बोला ना तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी हिसाब लगा दो। ये हथकड़ी और वायरलेस हिसाब में नहीं आएगा, पुलिस वालों का है ना इसलिए। उसकी जरूरत नहीं, वहीं रख दो। ये क्या भैया, फिल्म वालों की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? क्या बहन ऐसा क्यों पूछ रही हो? 10 दिन पहले सेलम से चेन्नई ट्रेन में जा रहे थे, तभी इस पेटी को देखा। धर्मेंद्र जी फिल्म के हीरो थे और नाम था अलीबाबा 40 चोर। अपने स्वामी जी को और यहाँ के लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद है, इसलिए चुरा लाया। hey, क्या चोरी करनी है तुझे नहीं पता? फिल्म देखने के लिए मशीन भी चाहिए ना। अगली बार मशीन ही चुरा लाऊंगा स्वामी। अरे चुप कर बेवकूफ कहीं का। अच्छा चलो इस बॉक्स को अंदर रख दो। ठीक है बहन, चल उठा रहे। hey, hey. एक बालों में जू है क्या? सर जी, ये अपने पर्यावरण मंत्री असित स्वामी के पीए हैं। इनका नाम है मैल। पहले मुद्दे पर आओ। सर, कुछ दिन पहले मंत्री जी ने अलीबाबा 40 चोर फिल्म देखने के लिए अपने आदमियों से जो पेटी मंगवाई थी ना, वो ट्रेन में ही चोरी हो गई। हाँ। लेकिन हमें चोर का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम उसे ढूंढते ढूंढते टीची गांव चले गए। वहां के लोगों से पूछताछ की तो पता चला, हाँ, कुंदनजी गांव में से किसी एक आदमी ने ही पेटी चुराई थी, इसीलिए आपको यहां बुलाया है। ऐसा है क्या? सर, मेरी बात का बुरा मत मानना, इन लोगों को सिर्फ चोर ही मत समझिएगा, ये लोग जादू करना भी जानते हैं। आजकल पुरानी फिल्मों को कोई देखता नहीं है सर, धर्मेंद्र की फिल्म तो डीवीडी पे भी मिल जाएगी। ये बात हमें भी पता है, हमें हर हालत में वो फिल्म बॉक्स चाहिए, इंडिया में वो एक ही प्रिंट है। उन सब के साथियों को गांव में हमने देख लिया है, बॉक्स को कैसे भी करके ढूंढो। तब तक मैं यहीं पर रुकता हूँ, ये हाई लेवल का ऑर्डर है, थोड़ा जल्दी करना। ठीक है सर, इसको कोई काम धंधा तो है नहीं, बस मुझे फंसाने में लगा रहता है। सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कुछ मामलों में झुक जाना ही ठीक होता है, ये बात आप भी जान ही चुके हैं। तो इसीलिए शिकार का पैर पकड़ने के लिए बोल रहे हो? हाँ,
सब खाकी वर्दी पे पानी डाल के आयरन करते हैं, मैं पसीना डाल के आयरन करता हूँ। चल ए, पुलिस वेसल की आवाज कहां से आ रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर, कोई हमें सिग्नल दे रहा है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ए, तुमने ये खाकी वर्दी क्यों पहनी है? डर लग रहा है तो जाके जीप में बैठो, मैं इंक्वायरी करता हूँ। सर सर मत जाइए, सर 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 मत जाइए, सर सर मेरी बात सुनिए सर। ए, चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। भास्कर, भास्कर, ए, किसने मारा रे? ए, हिम्मत है तो सामने आके लड़ो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। कोई बाहर चिल्ला रहा है, जाकर देखो। ठीक है सर। क्या है? आप घर पे कुछ बता के नहीं आए, माँ आपको ढूंढ रही है। मैं बाद में आता हूँ, तुम जाओ। ठीक है पिताजी। कौन था? कांस्टेबल का लड़का था सर, लगता है घर में बताया नहीं। ठीक है, सफर करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। पास में कोई दुकान है? दुकान तो है लेकिन काफी दूर है सर। आपसे पहले वाले इंस्पेक्टर सुल्तान को यहाँ की देसी दारू बहुत पसंद थी सर। कहिए तो वही मंगवा दूँ। ठीक है, मंगवा दो। मस्त चीज है, ब्रांडी विस्की भी फेल है। ये जड़ी बूटी से बड़ी दारू है सर। ये अचार किसका है? आम का अचार है। कमाल कर दिया तुमने। पत्थर, इससे एक इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? जोर से मारा है, चोट गहरी लगी होगी। साहब, उन्हें पकड़ने के लिए शेर की तरह नहीं बल्कि भेड़िये की तरह चालाकी से जाना होगा। आओ शिखर। नमस्ते साहब, तुम्हें याद कर रहे थे। नमस्ते सर। सर, ये चोट कैसे लगी? टॉयलेट में पैर फिसल गया था, क्या काम है बोलो। सर, मैंने जो एसआई एग्जाम दी थी ना, उसमें मैं पास हो गया हूँ और डिपार्टमेंट से मुझे लेटर भी मिला है सर, ये देखिए। सर, कुछ ही दिनों में मेरा एसआई का सिलेक्शन होने वाला है। लेटर में वेरिफिकेशन का कुछ लिखा हुआ है, वही आपसे मैं पूछने आया हूँ सर। इतनी जल्दी है क्या तुम्हें? सर, ये सर्टिफिकेट देखकर आप जरा एक कॉन्टैक्ट लेटर देंगे तो? हाँ लाओ, देखते हैं। ये कॉलेज सर्टिफिकेट है सर। अरे सब दो ना। और ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट सर। एससी बिलो कैटेगरी के लिए और एसटी ट्रिबल कम्युनिटी के लिए। ए सर, दो दो जाति सर्टिफिकेट रखे हो, इसमें कौन सा ओरिजिनल है? सर, बेसिकली मैं ट्राइबल कम्युनिटी का हूँ सर, पर स्कूल में मुझे ये एससी सर्टिफिकेट मिला था। जब मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि मेरी कास्ट चेंज हो गई है, उसके बाद मैंने एसटी सर्टिफिकेट ले लिया। इसको बेवकूफ बना रहा है? नहीं सर। कौन सी गवर्नमेंट दो जाति सर्टिफिकेट इशू करती है? सर, एससी एक जाति होती है, एसटी अलग जाति होती है, और मेरे हिसाब से एसटी में कोई बड़ी एसटी जाति नहीं है। ये बता, ये दूसरा सर्टिफिकेट कहाँ मिला? सर, मेरे भाई ने मुझे लाकर दिया था, उसका नाम चार्ल्स है। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है,
अब मैं क्या करूं सर? हाँ? पहले कौन सी जाति हो ये कंफर्म करो। अभी तुम यहाँ से निकलो, चलो ये सब पकड़ो और जाओ निकलो। सर, अरे कहाँ ना जाओ, सर, जाओ, ए, सर, तुम भी सर, जाओ, तुम भी जाओ, सर, अरे जाओ, बोलो ना। बड़ा या पुलिस वाला बनने। हाँ नमस्ते भाई, बोलिए ना। हाँ ओके, हाँ 6 SSLC लिखो, 6 SSLC 8+2 8+2 12 passports 12 passports हाँ हाँ रेडी हो जाएंगे। डॉक्टरेट ना? हाँ, अफ्रीकन यूनिवर्सिटी चाहिए या अंटार्कटिका यूनिवर्सिटी चाहिए? हाँ हाँ, कल ही रेडी कर दूंगा। हाँ हाँ, आ जाइए। ओके भाई। अच्छा सुनो, अंटार्कटिका यूनिवर्सिटी में एक हाथी का पोस्टर डिजाइन करना है। ओके सर। अर्जेंट है, जल्दी रेडी करो, कल पार्टी आ रही है। ठीक है सर, हो जाएगा। क्या बात है, बताइए सर, कॉफी कैसी लगी? वेरी नाइस। अच्छा अपना शिखर SI एग्जाम में पास हो गया है। लोकल इंस्पेक्टर का साइन चाहिए था, इसलिए वहाँ गए। जब इसने इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए कहा तो उसने सर्टिफिकेट पे साइन करने से मना कर दिया। तुमने उसे ऐसी सर्टिफिकेट क्यों दिखा? ST दिखाना चाहिए था ना। ST में कोई ऐसी जात है ही नहीं, ऐसा वो इंस्पेक्टर बोल रहा था। अरे तूने झूठा सर्टिफिकेट देकर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। यही तो समस्या है तुम्हारी। उस इंस्पेक्टर से मैं बात करता हूँ। सर मेरी गलती है, शिखर को ऐसे सर्टिफिकेट मैंने दिया था। सर कई जन्मों से हम ट्राइबल जाति के ही हैं, शिखर के अच्छे भविष्य के लिए ये सर्टिफिकेट मैंने बनाया। अच्छा, तो खुद दूसरों को सर्टिफिकेट देता है? वो क्या है कि तो सर... फिर सरकार किस लिए है? एक बात बताऊं, जाली सर्टिफिकेट के जुर्म में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। सर मैं अब तक 65 डॉक्टरेट सर्टिफिकेट बना चुका हूँ, कितने लोगों को हर तरह के सर्टिफिकेट दिए। क्या कहा, डॉक्टरेट बना के दिए? हाँ सर। अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? पौड़ी में यूनिवर्सिटी बनाई सर। यूनिवर्सिटी बनाई? हाँ सर। पौड़ी में? हाँ सर। कहाँ है वो? सर वो जहाँ वेट्री थिएटर है ना, उसके बगल में जो 4 नंबर की दुकान है वो मेरी है सर। क्या दुकान में? हाँ सर, ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। कार्ड भी बनाया? हाँ सर। डॉक्टर चार्लीज MSc MPhil PhD। ए, बहुत टोपीबाज मालूम पड़ता है। ए, तुम लोग यहीं रुको, जरूरी फोन है। हेलो, क्या मिस्टर स्वामी, कहाँ हो तुम? हाँ सर बोलिए ना। कुछ पता चला क्या? सर मैं उसी काम में लगा हूँ। अरे मुझे बहुत टेंशन हो रही है भाई, मिनिस्टर का PA होने का मतलब जलते चूल्हे पर बैठना, अच्छे से खाना भी नहीं खाने देते ये। सर टेंशन मत लीजिए सर। क्या चाहते हो, मैं खुद ही आ जाऊँ? सर थोड़ा सबर कीजिए ना सर, मैं आप ही के काम में लगा हूँ। हाँ, हाँ। मैं खुद यहाँ आपको बुला लूंगा सर। ओके ओके। डॉक्टर का नाम देखते ही हिल गया होगा वो, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या रे कानाफूसी कर रहा है? आपके बारे में बात कर रहे थे। मैं तो तुझे बाद में देखता हूँ। ओके सर। ये सुन। हाँ सर। जरा इधर आ शिखर, तुम अच्छे इंसान हो, तुम आगे बढ़ने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर आखिर में तुम एक चोर जाति में पैदा हुए हो। खैर तुम्हें पुलिस में ज्वाइन होने का एक अच्छा मौका मिला है, एक मंत्री का अली बाबा 40 चोर का फिल्म का बॉक्स चोरी हो गया है। अरे अपने वो धर्मेंद्र की फिल्म है, अरे ट्रेन से लौटते वक्त किसी ने उसे उड़ा दिया। चोर तुम्हारे एरिया का है, ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है, और तुम्हारे लोगों में और पुलिस में 36 का आंकड़ा है। सर आप बस बताइए फिल्म का बॉक्स कहाँ है, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। सिर्फ ढूंढना नहीं है, जैसे मिले उसे लेके यहाँ आना है। साहब जी। हाँ क्या है? रोज रोज मैं इडली डोसा खा खा कर पक गया हूँ, आज बिरयानी मंगाइए ना, बिरयानी बहुत दिनों से खाई नहीं है साहब जी। बिरयानी चाहिए? हाँ साहब जी। मैं खुद तेरे लिए पका दूंगा ना, तू वेट कर। ठीक है साहब जी। सर इस मैटर को तो मैं सुलझा दूंगा, पर मेरा सर्टिफिकेट मैटर। हाँ। सर्टिफिकेट की चिंता तुम अब मत करो, तुम मेरा काम कर दो तो मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। तुम बस वो बॉक्स ढूंढना शुरू कर दो, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। लकड़ी काटने गई थी, भूत ने पकड़ लिया। मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा। छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़, जाओ 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 यहाँ से। क्या भाई, तुम्हारा ससुर भूत के साथ आजकल बहुत बिजी चल रहा है, एक भूत दूसरे भूत को भगा रहा है, ऐसा देखा है क्या? अरे सुन,
हा? मेरी वाली अंदर ही होगी, वो बेटी अंदर या नहीं देख के आता हूँ। तब तक तुम लोग भूत वाले के साथ ही रहो, और अगर फंस गया ना तो चक्कर आने का नाटक करना। ए, भूत भगाओ फिल्म की कहानी मैंने ही लिखी है, अब देखो तो मेरा परफॉर्मेंस। कुछ भी करो लेकिन संभल कर। चलो। हे शिखर, तुम्हारे ससुर जी वहाँ भूतों को भगा रहे हैं और तुम हो के यहाँ भूत बनकर खुद खड़े हो। हे, मंगनी होने के बाद तुम मेरी आधी पत्नी बन चुकी हो, चाहो तो अभी तुम्हें कंधे पर उठाकर ले जा सकता हूँ। अरे बाप रे, इतने दिनों बाद मेरे शिखर में इतनी हिम्मत आई है। अच्छा चलो उठाकर दिखाओ तो। हे, वो सब बाद में देख लेंगे। अच्छा सुनो, चोरी के सामान में कोई फिल्म की पेटी आई है, मतलब वही अली बाबा और 40 चोर, अपनी धर्मेंद्र की फिल्म है ना। वही तो मैं सोच रही थी कि भीगी बिल्ली आज शेर कैसे बन गई। तुम यहाँ मुझे नहीं बॉक्स को ढूंढने आए हो, बॉक्स अंदर ही रखा है। क्या बात कर रही हो? अच्छा रुको रुको रुको, मेरे पिताजी अभी यहीं पर हैं। तुम इस बॉक्स को अभी ले जाओगे तो कोई ना कोई देख लेगा। तुम अभी जाओ, मैं बाद में उसे लेकर आ जाऊंगी। पक्का लाओगी ना? काली माता की कसम, दुर्गा माता की कसम, मैं कहता हूँ इस लड़के को छोड़कर चले जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो इस लड़के को और जाओ यहाँ से। अरे क्या बात है, पेशकश तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तुम्हें तो एक्टिंग की पड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा गुस्सा उसे जान से मार देगा। आज पेशकश की बहुत लड़ाई होगी, उसका क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने। इस फिल्म की पेटी की वजह से तुझे बलि का बकरा बना दिया, माफ करना दोस्त। ए चल चलते हैं। वी डिक्लेयर द डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी अंडर द ऑनरिटी ऑफ नासा बाय द एंटार्क्टिकल लैंड यूनिवर्सिटी टू मिस्टर कोडन स्वामी। वी आर वेरी प्राउड टू गिव द सर्टिफिकेट। थैंक यू ब्रदर, वेलकम। बहुत ही खुशी हुई मुझे। हाँ। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना था। आप इसके काबिल हैं इसलिए सर। थैंक यू। हाँ। सर एक फोटो ले लें? हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छे से खींचो सर, मेरी यूनिवर्सिटी में आपको एक दिन डीन बना दूंगा। वो सब नहीं चाहिए, आपने डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया यही मेरे लिए काफी था। सर ये है हमारा थाना, अच्छे से मुआयना कर लीजिए। दिस पैलेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर। दिस इज हैंड चेयर। जी सर। दिस इज लॉकअप। जी सर। हु इज द अक्यूज्ड? वही जो सो रहा है। टेकिंग स्लीपिंग? हाँ सर। हे मैन, हे मैन, हे सीनियर सिटीजन मैन, आई वॉन्ट टू सी यू मैन। तो पीटर ये है ना? सर बाकी उसे बहुत चार्ज करता हूँ, पर आपके लिए फ्री। मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे अभी के अभी चर्च जाना होगा। चलता मैं। ओके दैट्स मूव। को थोड़ा काम आ गया। कब कब? तुम बाद में मिलते हैं। काम आराम से जाइए। ओके सर। कहाँ जा रहे हो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? मैं भी चर्च जाना चाहता हूँ। साहब जी, कभी हम दोनों एक ही जेल में थे। क्या कहा? तेरा साथी था? हाँ साहब जी। उसने मुझे डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया है। चुप रह। यार उस दिन हम लोग पेटी निकालने गए थे, लेकिन तेरे ससुर ने मेरी तो जमकर पिटाई कर दी। ये ले, घर की दारू है, माई ओन प्रोडक्ट। तेरी दारू तू ही पी ले, मुझे नहीं चाहिए। तुझे नहीं चाहिए? ले भाई, हम दोनों ही पी लेते हैं। तुझे पता है तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसीलिए इतना पिटाई खाई। अरे यार, तूने दोस्ती के लिए मार नहीं खाई, बल्कि देश को बचाने के लिए मार खाई है। अरे वाह भाई, क्या फिल्मी डायलॉग मारा है। क्या रे, अच्छा डायलॉग मारा तो उसे अवार्ड देगा क्या? अरे कौन सिटी बजा रहा है ये? रुक मैं जाकर देखता हूँ। शेखर जल्दी आओ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? मैं बॉक्स ले आई हूँ, पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। ठीक है ठीक है। हाँ जल्दी करो। जल्दी करो ना। थैंक यू सो मच। तुम अपने थैंक यू को गोली मारो, मैं ये सब तकलीफें हमारी शादी के लिए उठा रही हूँ। ठीक है अब तुम घर जाओ। पहले तुम जाओ। तुम चाहो ना जल्दी। हाँ सर मिल गई है। हाँ मिल गई है सर, वो मेरे सामने ही है। हाँ सर, ओके सर, ओके। हाँ ओके, थैंक यू। कमाल कर दिया भाई, बहुत टेंशन में था इस पेटी को लेकर। तुम्हारा प्रमोशन पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू। हालेलुया स्तोत्रम। साहब जी इन्होंने कुछ नहीं ढूंढ निकाला, ये तो यही टांग पर टांग रख के बैठे थे। इस पेटी को ढूंढने वाले ये साहब जी हैं।
साहब जी, ये तो बस दिखावा कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत मेहनत की हो। ए, अपना मुंह बंद रख। सच कहो तो कोई मानता ही नहीं। सर, मैं आपको बताने ही वाला था, ये लड़का अपना खास आदमी है और पुलिस इन्फॉर्मर भी है। फिल्म बॉक्स चुराने वाले इसके जान पहचान वाले थे, इसलिए इसे पाने के लिए इसकी मदद ली। वेरी गुड, तुम क्या करते हो भाई? मैं एसआई सिलेक्शन के लिए वेट कर रहा हूँ सर। क्या बात है, तुम्हारे जैसे अक्लमंद तो हमें चाहिए। सर, इस लड़के की हेल्प कीजिए, मैं आपको लिख के दे दूँ, ये लड़का एक दिन इसी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर बनकर आएगा। ओके, मैं निकलता हूँ। ठीक है सर। सर चलिए, आओ भाई। हाँ सर, अब मेरा लक्ष्य है कि मैं सरकार की सेवा करूं। उद्देश्य तो ऊंचा है, पर राजनीति में मत आना। ऐसे मैंने क्या पाप किए थे, मुझे ये सजा मिल रही है, मार दिया, मर गया, पूरे हाथ में तोड़ दिया, बहुत बड़ा। वो इंस्पेक्टर पागल था, जो एक इन्फॉर्मर को उसने सिर पर बैठा रखा था। अगर उसे किसी पर शक था तो उसे उठाकर लॉकअप में डालना चाहिए और फिर उसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए थी। सुनो, यहाँ कोई होटल है क्या? सर, होटल छोड़िए, यहाँ तो चाय की टपरी भी नहीं मिलती। आज मेरे घर में एक पूजा है, मैं घर पे खाना खाकर आ जाऊं। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, खाना दो। जैसी माता की इच्छा, खाना जल्दी लगाओ रे। और एक खास मुहूर्त देखकर एक जवान लड़की को ढूंढो, जल्दी करो। अरे वाह, क्या खाना है, मजा आ गया। क्यों, तुमने खाना खाया? मैं खाना खाकर आया हूं सर। हेलो, हाँ बोलो। अभी अभी खाना खाया है, मटन खाया मैंने, क्वार्टर का वो अभी नहीं हुआ। कल आ रही हो तो परेशान क्यों हो? चलो रखो। सुनो, एक मामूली बॉक्स के लिए मंत्री इतना परेशान है तो जरूर कुछ राज है। हाँ सर,
पेटी का मैटर बहुत बड़ा हो गया। इट इज वेरी प्रेशियस मेटल, राइस पुलिंग इरिडियम ओरिजिनल पीस। नाउ इट्स वैल्यू इज 4,500 यूरो डॉलर्स पर ग्राम इन द मार्केट। ओके, वी'ल चेक इट। Julian, check it. This is not an original iridium metal. This is a duplicate piece. Sorry. For what? It's at a waste of time. Oh, that's a great waste of time. We'll have the wrong people. इसे तो मैंने चेक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, मैं तो इसे चेक करके लाया था। बराबर काम पे लगा दिया इनको। अगर इसके इर्द गिर्द चावल डालेंगे तो कुछ ही सेकंड में ये चावल को अपनी ओर खींच लेगा। इसे राइस पुलिंग भी कहते हैं। अब सब ध्यान से देखिए। क्या बात है सर, इसके बारे में कुछ और बताएंगे? इसे हम इरिडियम भी कहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक अलग तरह का धातु है। हमारे देश के कई बड़े बड़े मंदिरों की चोटी पर इसे रखा जाता है। इसका फायदा यह है कि यह बिल्डिंग को बिजली गिरने के खतरे से बचाता है, और इसीलिए इसे बनाते वक्त इसमें कुछ केमिकल्स और थोड़ी मात्रा में लोखंड मिलाया जाता है। इसकी वजह से हमें क्या फायदा होगा? एक जमाने में हमारे बुजुर्गों ने इसे लिखने के लिए इस्तेमाल किया था। अगर इसका 25% हम सोने में मिला दें तो सोना 100% प्योर बन जाएगा। यही वजह है कि कुछ लोग इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम सैटेलाइट में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये फ्लाइट में भी लगाया जाता है। और हाँ, इतना ही नहीं, इससे कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती है। सर, इतने छोटे से गांव में आपको ये कैसे मिला? इसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे खबर दी। शिखर, यहाँ आओ। हाँ सर। अरे आओ भाई, ये लड़का इसी गांव का है, इसने हमारी बहुत मदद की। इसी लड़के की वजह से ये हम तक पहुँचा है। सर, ये आपको कैसे मिला? इस सब की वजह है हमारे इंस्पेक्टर स्वामी जी। मिनिस्टर साहब की एक फिल्मी पेटी चोरी हो गई थी, जिसे उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए कहा था। मैंने भी वो पेटी ढूंढ निकाली। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें इतनी कीमती चीज होगी, लेकिन धर्मेंद्र जी ने मुझे सपने में आके बताया। उन्होंने आके बताया? जी हाँ, धर्मेंद्र ने ही मेरे सपने में आकर मुझे बताया कि ये मिनिस्टर की चीज नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द जाकर पहले इसे सरकार के हवाले कर दो। तो मैं तुरंत ही तेनी में जाकर DSP साहब से मिला, जिसके बाद सर ने ये सब इंतजाम किया। वो मिनिस्टर कौन है सर? हमारे पर्यावरण मंत्री आसिफ जी, उन्हें भी हमने खबर कर दी, वो आते ही होंगे। ए, धर्मेंद्र सपना, क्या है ये सब? वो झूठ बोल रहा है, अभी मामला DSP तक पहुंच गया। तो हमने जो पेटी भेजी थी उसमें क्या था? कुछ नहीं सर, बाबा जी का ठुल्लू। सर, एक सवाल, इरिडियम से आपका क्या संबंध है? मैं जवाब दूंगा, इंतजार कीजिए। अरे पीछे रहिए, आइए सर। सर, हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? सबको मेरा नमस्कार। इसे संभाल कर नहीं रख सकते क्योंकि इसमें इरिडियम धातु पाई जाती है। हम इसे रिसर्च करने के लिए चेन्नई लेके जा रहे थे और तभी ये चोरी हो गया, जिसके बाद हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने दिन रात एक करके इसे वापस ढूंढ निकाला। इस काम के लिए मैं डिपार्टमेंट को बहुत बधाई देता हूँ। इसके आगे सरकार की तरफ से जो भी कार्यवाही होगी उसे डिपार्टमेंट के लोग देखेंगे। सर, इसी लड़के ने इसे ढूंढ निकाला है, नाम है शिखर।
ओ, तुम ही शिखर हो? जी हाँ सर। इसे तुमने ही ढूंढा? ऐसा कुछ नहीं है सर, इंस्पेक्टर स्वामी जी की मेहरबानी से ये सब मुमकिन हुआ। अच्छा। नमस्कार, आज्ञा दीजिए। क्या रे, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है बेवकूफ? एक मामूली इन्फॉर्मर ने तेरी नाक के नीचे से सब कुछ कर दिया। सर, कैसे बदला मुझे समझ में नहीं आया। चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सर, चाहे जो हो, चीज तो आपके पास आ गई। चुप कर, वो चीज अब सरकार और मीडिया के सामने निकल चुकी है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के गद्दार लोग जिंदा नहीं रहने चाहिए, उसे उड़ा दे, नहीं तो मैं तुझे उड़ा दूंगा, सोच ले। सर। ये क्या है साले साहब? ये चिनप्पा तेवर और ये राम नारायण, हाँ। इन दोनों ने जानवरों को लेकर कई फिल्में बनाई हैं, हाँ। तो ये सब उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, इसीलिए इनकी फोटो देखकर चला गया। चुचु चुचु चुचु, मेरी प्यारी बच्ची, टुटु टुटु टु, दादाजी को देखकर डरो मत। ए, जल्दी करो रे। अरे बाप रे, ये देखो क्रॉस। हाँ, ये सोने का लगता है। चलो चलो, गुड़िया दादाजी के साथ खेलेगी भू। स्वामी जी, बहुत बड़ी चीज मिली है, देखो इसमें हीरे वगैरह भी लगे हुए हैं। ये ओरिजिनल है कि नहीं चेक करके देख। असली है स्वामी जी। बहुत अच्छा माई सन, मेहरबानी करके उसे मत ले जाओ, वो हमारे चर्च का पवित्र क्राउन है। क्या मतलब? ये त्योहार में जीसस के आशीर्वाद स्वरूप बच्चों के सिर पर रखा जाने वाला क्राउन है। अरे ये क्या बुढ़िया, जीसस के सिर पर कांटों का क्राउन सुना है, लेकिन तुम तो कुछ और ही बता रही हो। तुम तो पैसे चोरी करने आए हो ना? सिर्फ पैसे चोरी करने नहीं, कीमती चीजें भी लूटने आए हैं। चलो अब निकलते हैं। प्लीज सन, ये सब चर्च का पैसा है, अगर तुम सब लेकर चले गए तो कल हमारा खाना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन के खाने के कितने पैसे लगते हैं? 2,500 के आसपास लगते हैं। इन्हें 2,500 रुपए दे दो। चर्च के पैसे चुराएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये पैसे गरीबों की मदद के लिए है, तुम ये पैसे रख लो, इसे हमारी तरफ से दान समझना, ठीक है? अब हम चलते हैं दादी जी। ओ गॉड, उन्होंने धमकी दी है कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, अगर लोगों को पता चल जाएगा तो, और फादर को पता चल गया तो मेरी जान पर बनाएगी। मदर, दूध नहीं चाहिए। मदर, इससे मिलिए, ये मेरी बहन का बेटा है और ये इसका दोस्त है शिखर। हाँ। आप चिंता मत कीजिए मदर, आपकी चीजें आपको वापस मिल जाएंगी। हाँ। जीत हमारी है, जाओ। जीत हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है। स्वामी जी, हाँ? मेरी दुकान की खिड़की दरवाजे तोड़कर सब कुछ साफ करके ना चले जाएं, इसलिए प्रसाद के तौर पर 5,00,000 रुपए आपको चढ़ा रहा हूँ। जीत हमारी है, जीत हमारी है। स्वामी जी, अपने लड़कों को समझा दीजिएगा। हाँ। चलता हूँ, आशीर्वाद बनाए रखिएगा स्वामी जी। हाँ हाँ। देखो पुलिस में भर्ती होने जा रहे हो, घबराओ मत, सीना तान के चलो। जीत हमारी है। अरे भाई, वो देख तेरे ससुर को।
जीत हमारी है। क्राउन को हाथ में लेकर सबको आशीर्वाद दे रहा है। ये ससुर जी की हरकतों से तो मैं तंग आ गया हूँ। आजा देखते हैं। जीत हमारी चलो, है। चलो आगे बढ़ो। चला जाए यहाँ से गद्दार। अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चाहिए, इसलिए मैं खुद चला आया हूँ। शिखर, शिखर, ये क्या किया तुमने? पागल हो गए क्या? ये क्या कर डाला? ये तूने क्या कर दिया? ऐसे अनजान को कोई मारता है क्या? अरे मेरे प्यारे भैया। एहसान, वो क्राउन ले जाकर मदर को दे दे। इधर आओ, हटा, हटा, हटा। ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? ये लीजिए मदर, ले आए। ओह गॉड, थैंक यू माय। मुझे बाद में थैंक यू बोल देना, पहले निकलो यहाँ से। और वो लड़का कहाँ है? वो लड़का बाद में आपसे मिलने आएगा, अभी वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलिए। इस बारे में किसी को मत बताना। जल्दी 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 करिए। अरे गांव से दुश्मनी कर सकता है, लोगों से दुश्मनी कर सकता है, ऐसे महान इंसान से कोई दुश्मनी करता है क्या? ऐसा क्यों किया भैया? भगवान बोलो ना, ऐसा क्या किया? क्यों हो गया? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या स्वामी जी, आप इस गांव के सरपंच होके भी पारिवारिक मामलों को पुलिस स्टेशन में घसीट रहे हैं? थाने में पैर रखना मेरा अपमान है, और आज तक मैं यही सोचता रहा। ये मेरी बहन का बेटा है, इसीलिए इसे छोड़ दिया था, लेकिन ये मेरे सिर पर चढ़कर तांडव कर रहा है। इसके खिलाफ मुझे कंप्लेन करनी है। कंप्लेंट क्यों स्वामी जी, अभी इसे बहुत आगे जाना है। ये क्या है, हम लोग पंचायत को बुलाकर इसका फैसला करवाने वाले थे ना, आप सीधे पुलिस स्टेशन में आ गए, ये अच्छी बात नहीं है। भैया इसे माफ कर दो, ये आपका दामाद है ना। अरे कहे का मेरा दामाद? जिस समय उसने जाति और समाज के सामने मेरा सिर फोड़ा, उसी वक्त हमारा रिश्ता टूट गया। आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। आज से मेरी बेटी और इसकी जो मंगनी हुई थी वो भी टूट गई। ये क्या किया आपने? हम लोग समस्या सुलझा सकते थे ना, आपने अचानक रिश्ता क्यों तोड़ दिया? पागल समझा है क्या? मुझमें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? अपनी लड़की की शादी में इससे करवा दूंगा, लेकिन तेरे बेटे के साथ कभी नहीं। साहब आप बस मेरी कंप्लेन लिखिए। ए चलो यहाँ से। अरे सुनिए तो भैया। ए स्वामी जी अभी बहुत गुस्से में है, तुम लोग जाओ और उन्हें मनाने की कोशिश करो। ठीक है सर जी, जाओ। ठीक। ए जो भी चोरी की चीज मिले उसे यहाँ पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए थी, और तूने क्या किया, मीडिया के सामने रख दिया। नहीं सर, वो जो हुआ सब गुस्से में हो गया मुझसे। तू क्या जेम्स बॉन्ड है? पुलिस बनना चाहता है और पुलिस वाले का ही साथ नहीं दे रहा है। ठीक है सर, जाओ अभी तुम यहाँ। जी सर, सॉरी। उसने एक झटके से मेरी छड़ी कैसे तोड़ दी? सर जी, अगर वो लकड़ी ऐसे अपने पाँव पर तोड़ दें तो समझिए रिश्ता टूट गया। अच्छा, उसके लिए सरकारी चीज को नुकसान पहुंचाएगा? वैसे भी तेरे जैसे गधे के रहते हुए सरकार का कभी भी भला नहीं हो सकता।
अब तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे पिताजी मर तो नहीं गए ना? शिखर, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। अब वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम मेरी बात सुनो, जो कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। 3 दिन बाद ऐसा है पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें मुझे सिलेक्ट होना ही होना है, और यही मेरा लक्ष्य है, और इसके बाद ही हम शादी की बात कर सकते हैं। कहाँ जा रही हो? मीठी मीठी बातों ने तेरी सच्ची सच्ची प्रीत ने धीरे धीरे मन में मेरे घर बना लिया। मीठी मीठी बातों ने तेरी सच्ची सच्ची प्रीत ने तेरे धीरे धीरे मन में मेरे घर बना लिया। तू ही मेरे दिल की जमीन, तू ही प्यार का आसमां, बाहों में तेरी दो जहां। मन के तू आया अंगना, लाया बहारे सजना, सारे जहां की खुशियां तुझसे मैंने पाई रे। नारे नन नारे नन नारे नन 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 नारे नन नारे नन 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 नारे नन नारे नन नारे नन 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 नारे नन नारे na 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 re na 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 बस तेरे ही लिए। सांसों में मेरी पिया तू ही बसा रे, आंखों में मेरी प्रिया सपना तेरा रे। साथ तेरे दूंगा मैं जिंदगी गुजार। मीठी मीठी बातों ने तेरी सच्ची सच्ची प्रीत ने धीरे धीरे मन में मेरे घर बना लिया। दुनिया में मेरी आके जाना है अब ना कभी तू, तेरे बिना साथी जी सकूंगा ना। पूरा करूंगी मैं तो प्यार का हर वो वादा, प्यार करूंगी तुझको खुद से ज्यादा। जब तक है मेरी सांसें तू ही रहेगी, जब तक है मेरी धड़कन तू रहेगा मेरे दिल में। चाहूंगा मैं जान से भी ज्यादा तुझे। मीठी मीठी बातों ने तेरी सच्ची सच्ची प्रीत ने धीरे धीरे मन में मेरे घर बना लिया।
जीते रहो, जाकर आओ। और कोई परेशानी नहीं है स्वामी? बस अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वो भूत इसके अंदर आ जाती है। आम के पेड़ की चुड़ैल कुछ ही दिनों में चली जाती है, लेकिन नीम के पेड़ की चुड़ैल पूरे परिवार को तंग करके जाती है। मुकान, तुझसे मुझे एक काम करवाना है और इसीलिए मैं यहाँ आया। स्वामी जी, आप मुझसे मदद मांग के मुझे नर्क में मत डालिए, आप हमारे कुल देवता है। बोलिए स्वामी जी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ये अपना ही लड़का है, लेकिन इसने हमारे परिवार में बहुत समस्या खड़ी कर दी है और मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। आप आदेश कीजिए, इसे जान से मार देता हूँ। उसे जान से नहीं मारना है, उसके हाथ पैर तोड़ देने हैं और निकम्मा करके घर पर बैठाना है। हमें उस तरफ जाना है क्या? नहीं, उस तरफ। पिताजी, कोल्हापुर की बस दिखाई नहीं दे रही है। अरे आएगी ना। अबे तेरी तो। ये तू ठीक है? टीकू, उनको छोड़ना मत। किसने भेजा है तुझे? बता, बोल, नहीं तो जान ले लूंगा। सिगार स्वामी ने भेजा था, बोला था तुम्हें मार के लकड़ा बना दूं। अरे सुनती हो? हाँ। यहाँ आओ। बोलिए जी। ये लो, चटनी के लिए नारियल चाहिए था ना, जल्दी से इसकी चटनी बना दो, नहीं तो बच्चे खा जाएंगे। ठीक है। मिनिस्टर? हाँ सर। क्या रे, इतना लंबा क्यों खींच रहा है मामला? या तो तू उसे मारेगा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। नहीं सर, मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ के लोग एकदम जंगली है, लेकिन अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो वो सब आपस में मिलकर एकजुट हो जाते हैं। सर, उन लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें मार सकते हैं सर। वो सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है। ठीक है, ये बता तुझे क्या लगता है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अरे सर जी, हम राजनीति वाले हैं तो हम आराम से मारने के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो पुलिस वाला है, वो तो दौड़ाकर ही मारेगा। थोड़ा इंतजार तो कीजिए। कैंडिडेट नंबर 47, कम। Sinaflow, 87. Okay, next. Unfit, rejected. 16, fit, selected. 65, fit, selected.
इसे मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब हेकड़े निकाल दूंगा। बॉयज सब लोग इस तरफ आओ, चलो। 39, 47 तुम लोग इस तरफ आके खड़े हो जाओ। नंबर 5, 57 तुम लोग उस तरफ जाओ। ये इंस्पेक्टर स्वामी कैसा आदमी है? सर चलता है सीना तान कर, लेकिन किसी काम का नहीं है। सर 23 कैंडिडेट मेरिट में सिलेक्ट हुए हैं सर। बहुत ही कम लोग हुए। हाँ सर। पुअर रिस्पॉन्स। सर आजकल आईटी में ज्यादा जा रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है बुलाओ उन्हें। ओके सर। 39 यहाँ आओ। गुड, थैंक यू। सेलेक्ट हो जाओगे, जाओ। 47 ये लीजिए सर। नमस्ते सर। सर हर सर्टिफिकेट एकदम करेक्ट है। अरे भाई तुम्हें पहले से जानता हूं, तुम्हारी जरूरत है डिपार्टमेंट को। थैंक यू सर। क्यों भाई स्वामी, ये तुम्हारे एरिया का है, तुमने इसे रिकमेंड नहीं किया? सर ये अच्छा लड़का है सर, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है। FIR? ये क्या कह रहे हैं? सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं सर? इसके ससुर ने कंप्लेन की थी कि ये उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था। सर वो हमारे परिवार का मामला है सर। माना ये उनका पारिवारिक झगड़ा होगा, लेकिन वो अपनी कंप्लेन वापस नहीं ले रहा है सर। मेरी वजह से किसी का फ्यूचर खराब ना हो, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया सर। I'm sorry दोस्त, उस FIR की वजह से हम तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर सकते। बट डोंट वरी, ये मामला क्लियर हो जाए फिर हम तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे। सर 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 प्लीज सर, सर मैं बहुत उम्मीदों के साथ यहां आया हूं सर। सर देखो मेरी बात सुनिए सर, ये मामला लीगल है, इसमें मुझे सेलेक्ट कर लीजिए सर। प्लीज सर मुझे सेलेक्ट कर लीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूं सर। क्या कर रहे हो सर? सर ऐसे छोड़ के मत जाइए सर, मुझे सेलेक्ट कर लीजिए सर। प्लीज सर मैं बहुत उम्मीद लगाया हुआ हूं सर। ए भाई देखना क्या कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हो सर? पुलिस वाला बनने के लिए मैंने इन्फॉर्मर बनकर आपकी मदद भी की है। कुछ पर कुछ तो नहीं कर सकते। चलो प्लीज सर मेरी बात सुनिए। सिलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं सर। अरे जल्दी चल सर। सर ऐसे नहीं हो सकता सर, मुझे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा सर। ए भाई सर क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? हे शिखर सब लोगों ने मिलकर यार मुझे बेवकूफ बना दिया। ए भाई क्या सोच रहा है ये भी? सारे टेंशन दूर जाएंगे यार। बर्बाद हो गया मैं, कितनी तकलीफ उठाई थी मैंने। अरे रोने से क्या फायदा है, उन लोगों ने हमको हलाल कर दिया है। इन लोगों के लिए हम कुछ भी नहीं है। तू पुलिस बनने का सपना छोड़ दे मेरे भाई। झूठ बोलना पाप है सर। सर शिखर ने मेरी पेन चोरी कर ली। ए शिखर उठ वहाँ से। सर मैंने चोरी नहीं की है, ये झूठ बोल रहा है। तुम मयंक के बेटे हो ना, तुमने जरूर चोरी की होगी। चोर के बेटे हो ना तुम, चोर के बेटे हो ना तुम। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सुरेश बैठो तुम। हाँ सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, सच का साथ देना अच्छी बात है। उस पुलिस वाले के लड़के ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मैंने चोरी नहीं की थी। इस चोर के बेटे ने सच कहा था पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी, और पुलिस के बेटे की बात सबने सच मान ली। चलो हम सब मिलकर आज चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। मैं पुलिस बनूंगा। चलो पहले चांस शेखर को देते हैं क्योंकि उसे पुलिस वाला बनना है, हम चोर बन जाते हैं। हाँ ठीक है उसे पुलिस बनने दो। चलो चलो छुप जाते हैं। चलो 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 पकड़ टिशु। तुम्हें तो जिंदा पकड़ना है। चोर का लड़का होकर पुलिस वाला बनता है, मार डालूंगा तुझे। मैं खेल में भी कभी पुलिस नहीं बन सकता था, ऐसा लोगों के दिमाग में बैठ गया था। सारे लोगों को लगता था कि मैं निकम्मा हूं। स्कूल से आते जाते वक्त रोज मैं पुलिस स्टेशन को देखता था, और फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे पुलिस वाला ही बनना है। मेरा पुलिस बनने का सपना कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, और जो छीनेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इस अंगूठा छाप जाति का पहला या आखिरी सुधारक मैं ही हूँ। लोगों ने अब तक यहाँ के शिकारी जानवरों के बारे में लिखा है ना, लेकिन आप देखना वो सब मेरे बारे में लिखेंगे। मैं सबसे वादा करता हूँ कि अगर खाकी वर्दी पहनने से पहले ये शिखर मर भी गया ना, तो कसम खाता हूँ काली देवता के रूप में वापस आऊंगा।
भैया उसकी इतनी हिम्मत मुझसे गद्दारी करेगा? भैया भैया मेरे बेटे को माफ कर दो, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो भैया। पता है वो इंस्पेक्टर पुरानी बातों को दिल में रख कर मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई कंप्लेन होगी तो उसे पुलिस में नौकरी नहीं मिलेगी। मेरा बेटा पागलों जैसा घूम रहा है, मैं आपसे विनती करती हूँ भैया उसे बचा लो, आपने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे वो जानता है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया भैया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। बस आप इतना कर दो कि अपनी कंप्लेन वापस ले लो भैया, उसे माफ कर दो, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो, हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ भैया। निकम्बे लोग, मटके में पानी तक नहीं भरते हैं। क्या स्वामी जी, जब चाहो कंप्लेन कर दो, जब चाहो वापस ले लो, कोई पान की दुकान नहीं है, पुलिस स्टेशन है, बताओ। साहब जी ये परिवार का झगड़ा है, अब जाने दो ना साहब। हाँ पता है मुझे, इसीलिए एक्शन नहीं लिया, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ स्वामी जी। ए, सुनो जी सर, स्वामी जी का साइन ले लो। हाँ। उसे भेज दो। ओके सर। स्वामी जो हुआ भूल जाओ उसे। मैंने कंप्लेन वापस ले ली इसलिए हमारा रिश्ता वापस जुड़ गया, ऐसा कभी मत सोचना। अगर आज के बाद ये मेरी बेटी के आसपास भी नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है जाइए, दोबारा ऐसी गलती न करे, समझाइएगा। जी ठीक है साहब। चलो आओ। भाई आज के बाद मेरे पास ये ढूंढो वो ढूंढो बोलते हुए कभी नहीं आना, क्योंकि ये इन्फॉर्मर वाला काम मुझसे नहीं होगा। चलता हूँ सर। चलता हूँ सर। आ जा बड़ा आया। इसे क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा? इसने मेरी जो बेइज्जती की है उसका बदला तो मैं उससे लेके ही रहूंगा। साहब जी, साहब जी। क्या है? सबका समाधान करवा के भेज देते हो, सिर्फ मुझे ही अपनी बीवी की तरह नजर के सामने बैठा कर रखा हुआ है। आ? तेरे ऊपर कहानी लिख रहा हूँ इसलिए तू जरा अंदर ही रहे। सर कोई बैग फेंक कर चला गया। अरे ये तो मेरा बैग है। मैं कह रहा था ना वो खुद ही वापस फेंक जाएंगे। देखिए सारा सामान अंदर है ना। सब ठीक है ना सर? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा वो शिखर का क्या हुआ? क्या होना था सर, जैसे भूखा तेंदुआ छुपकर शिकार करता है, अपने इंस्पेक्टर कुंदन जी उस लड़के को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे, बस एक मौके की तलाश थी, तभी एक स्पेशल ऑफिसर उसे ढूंढते हुए आए थे। यहाँ से आगे जाएंगे तो केरला बॉर्डर शुरू हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल सर। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है, हाल ही में शुरू ही कोई बागी पार्टियों का लीडर यहाँ छुपा हुआ, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है पर कौन सी पार्टी का पता नहीं, पर याद रहे वो हमारे डिपार्टमेंट को जिंदा चाहिए। समझ गया सर, मगर हमारे साथ चाहे जितने फॉरेस्ट ऑफिसर हों, लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना वहाँ जाना बहुत खतरनाक होगा। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो हमारे वहाँ देखते हैं। ओके सर। जो भी है बताइए ना सर। ये लीजिए। हाँ लाओ तो। ये लीजिए सर। ये सब किस लिए, अभी तो हमने ब्रेकफास्ट किया। अरे कोई बात नहीं सर, इतनी दूर से आए हैं, पीजिए ना। भास्कर आते वक्त थोड़ा चावल लेते आना, बच्चे मटन बिरयानी खाने के लिए जिद कर रहे हैं। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपनी सर्विस में मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है, मेरे पास तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है। निकलते वक्त शिखर को भी साथ लेके आना। अरे इसको भी किसी ने बता दिया लगता है। क्या आदमी है, इसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। तुम्हारे बारे में इन लोगों ने मुझे सब बता दिया, खाकी वर्दी पहनकर काम किए बिना ही हराम की पगार लेकर
अपनी जिंदगियां गुजारने वालों के बीच तुम जैसे फायरमैन की हमारे डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है। तुम्हारे इस जज्बे की मैं बहुत कद्र करता हूँ। कहीं ये हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहा? दूर खड़े होकर तमाशा देखोगे तो तुम भी दर्शक ही बनोगे, लेकिन वहीं तुम मैदान में उतरकर खेलोगे तो तुम्हारा खेल देखकर सारे लोग तालियां बजाएंगे। अगर इरादा पक्का है तो भगवान भी तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। क्या कहते हो? सर मैं आपके साथ चलूंगा। दैट्स गुड, चलो स्वामी चलो। इसके जैसे ही लोग कीड़ों को भी सांप बना देते हैं। सर यहाँ कुछ पता नहीं चला, चलिए दूसरी जगह देख लेते हैं। ओके आगे चलते हैं। ओके सर। सर वेट करो तुम। हाँ तुम बताओ। हाँ मुझे वेट करवा रहा है। सर ये खाएंगे क्या? उनका पता चल गया है। गुड कम ऑन। यस सर। नमस्कार सर जी। हाँ सिगार। आपको ऐसी जगह पर रखा है, आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये जो खेत है वो अपने ही आदमी का है। गांव वालों को पता चल गया तो आपको भी परेशानी होगी और मुझे भी। तुम्हारी बेटी है ये? हाँ सर जी, यहाँ के लोगों से इसकी अच्छी जान पहचान है, इसीलिए साथ ले आया। ये सोडल है मेरा शिष्य। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ सालों पहले ये जेल में मेरे साथ थे। अकलमंद है लेकिन लोग बुद्धू समझते हैं। एक हफ्ते और यहाँ रहूंगा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे क्यों होगी, आपको कोई परेशानी है तो बताइए। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लोग बहुत प्यारे हैं। सुनो बेटी, सर जी को अच्छे से खाना बनाकर देना। अरे तुम क्यों तकलीफ उठाओगी? सर जी आप मेरे मेहमान हैं और लोगों की तरक्की के लिए आप आंदोलन करने जा रहे हैं, आपकी सेवा करने से मेरा कल्याण तो होगा। तो तुम अभी भी भगवान पर भरोसा करते हो? ये क्या है सर, आप लोग सीधे उन्हें गोली मार देंगे? ये उनके बर्ताव पे डिपेंड करेगा। चलो स्वामी तुम इस तरफ से जाओ, चलो मूव मूव मूव, हरी अप फास्ट। हाँ हाँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत भाग चुके राजन। मेरा भागना दौड़ना और रुकना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है इंस्पेक्टर। अरे बाप रे पुलिस आ गई। सुनो स्वामी सबको अरेस्ट करके कस्टडी में लो। चलो सर इससे मैं शादी करने वाला, इसे कुछ नहीं पता है सर, छोड़ दीजिए इसे। उसके बारे में हम नीचे चल के बात करेंगे, लेट्स मूव। अरे ये तो सिगार की बेटी है, अब उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। बेटा तुमने आज जो काम किया है उसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सर सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, हमने सबको अरेस्ट कर लिया है, कल सुबह तक मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे उन तीनों को अलग गाड़ी में भेजो। यस सर। चलिए आप लोग जीप में बैठिए।
सर, ये लड़की को कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। अगर हमारी मदद करने वाले लोगों को अंदर करोगे तो फिर बाहर कोई नहीं बचेगा। ऊपर से ये आदिवासी भी है, जाने दो उसे, छोड़ दो, बोल रहा हूं ना। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमारे सर पे ही चढ़ जाएंगे। लोकल पुलिस होने के नाते बोल रहा हूँ सर, इन्हें फॉर्मेलिटी के लिए कुछ देर के लिए रहने दीजिए सर, तभी इन लोगों में पुलिस का डर बना रहेगा। ठीक है, देख लो, ये तुम्हारा एरिया। थैंक यू सर। एनीवे, तुम्हारे कोऑपरेशन के लिए थैंक्स। इट्स ओके सर। चलो अब मैं निकलता हूँ। हाँ, थैंक्स सर। ओके सर। शिखर, दिल से थैंक्स, तुम नहीं होते तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये इस लड़की पर केस फाइल करने के लिए कह रहे हैं, कुछ घंटे कस्टडी में रखने के बाद छोड़ देंगे, ये सिर्फ छोटी सी फॉर्मेलिटी है। सर, अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मंगेतर को कुछ नहीं होगा, सुबह तक छोड़ देंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ? हाँ सर, सुबह तक छोड़ दूंगा। चलो गाड़ी निकालो। सर, ये देख, बिल्कुल चिंता मत कर, कल सुबह तक कस्टडी में रख के भेज दूंगा। सर, इसे कुछ भी पता नहीं है सर, आपको कस्टडी में एक आदमी चाहिए ना, तो मैं रह लेता हूँ। नमस्ते सर जी। आइए आइए स्वामी जी। सर जी, वो हमारे मेहमान थे, मेहमान को ये खाना खिलाने गई तो आप इसे यहाँ ले आए। आप क्यों चिंता करते हो स्वामी, विटनेस बनाने के लिए इसे अंदर रखने के लिए ऊपर से ऑर्डर। एक लड़की को थाने में इतनी देर रखना ठीक नहीं, अगर आपको चाहिए तो इसकी जगह मैं रहता हूँ। स्वामी जी, आपको अंदर रखने का मतलब पूरे गांव को अंदर रखना होगा। किसी को मत रखिए सर, मैं रहूंगा हवालात में। ठीक है शिखर, मैं सर से बात कर लेता हूँ। स्वामी जी, आप अपनी बेटी को ले जाइए, आप जा सकते हैं। स्वामी जी, ये तो अच्छा शगुन नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, आओ बेटी। चलो जाओ। तू टेंशन मत ले यार, मैं सुबह होता ही आ जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, क्यों भाई, लास्ट में तुम्हें भी अंदर कर दिया ना है? तुम भी पागल हो, जो तुमने उस पर भरोसा किया वो बहुत ही बदतमीज इंसान है। आइए मिस्टर पुलिन, आज से तुम्हें छोड़ दिया जाता है, यही मेरा फैसला है। जाओ जाओ जाओ। साहब जी, सिर्फ आज की रात मैं यहाँ सो जाऊं क्या? ए, मैंने कहा ना साहब जी, तू जाता है या नहीं? जा। साहब जी, मेरा पेन, डिब्बा, ब्रश वगैरह दे दीजिएगा। ए सुनो। जी साहब। इसका साइन ले लो और इसका सामान इसे दे दो। ठीक है ठीक है, यहाँ पे करो। चल निकाल। ए भास्कर सर, तुम अभी जाओ है? और रात की ड्यूटी का टाइम पे आ जाना। जी सर। और तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी जाओ, सुबह टाइम पे आ जाना। ठीक ठीक है सर। ठीक है। उस दिन इंस्पेक्टर कुंदन का बर्ताव कुछ अलग ही था। वो पता नहीं किससे फोन पर बहुत देर तक बातें कर रहे थे।
उस दिन नाइट ड्यूटी पर मैं था। नाइट ड्यूटी की वजह से सुबह मैं गहरी नींद में सो गया था। तभी भास्कर भास्कर अरे उठ, सुबह हो गई। क्या है, अभी तक सो रहा है? साहब आप इतनी सुबह सुबह क्यों? सुबह सुबह के तुम्हारी नींद खराब कर दी क्या? जाओ, जाके नहा धो के वापस आओ। ठीक है सर। शिखर, शिखर, अरे शिखर, अरे उठ रे भाई, अब तक सो रहा है, सुबह हो गई है। क्या हुआ, ठीक से सोया नहीं था क्या? रुक जा। क्या शिखर, मुझसे नाराज हो क्या? मेरे ऊपर तो गुस्सा होगा ही तू। हाँ, क्या करूं, डिपार्टमेंट का प्रोसीजर तो करना ही पड़ता है। जाओ और जाके मुंह हाथ धो के आ जाओ। जैसे ही कांस्टेबल आएगा तुम्हें छोड़ दूंगा। जाओ। अरे भाई, जिसने भी राजनीति वालों और पुलिस वालों से दुश्मनी की है ना, वो मुश्किल में आ ही जाते हैं। अगर उसने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की होती ना तो बात कुछ और होती। वो कुंदन भी डरपोक था, अगर उसकी जगह मैं होता ना तो गला काट देता उसका। जब से शिखर मरा है तब से समस्या और बढ़ने लगी है। उसके बाद इंस्पेक्टर कुंदन और सुल्तान, इनकी मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी सबूत नहीं मिला है। शिखर जब मरा तो उसकी इच्छाएं अधूरी थी। शिखर का भूत ही यहाँ पर आने वाले इंस्पेक्टर को मारता, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कहा, आत्मा? अरे ये काम गाँव वालों का होगा, बेवकूफ बना रहे हैं वो। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अच्छा ये बताओ, यहाँ का इंस्पेक्टर मैं हूँ तो शिखर की आत्मा मुझे भी मारेगी क्या? ये बताओ, इतना सब कुछ करने वाले उस शिखर की कोई फोटो है क्या? फोटो किस लिए सर, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छे से देख मुझे। मैं शिखर हूँ, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, या मैं जो भी बोलता हूँ वही कानून होता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अगर मेरे सिवा कोई यहाँ इंस्पेक्टर बनकर आया। उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ो। इस पुलिस स्टेशन के लिए मैंने कितनी मेहनत की पता है? Ha ha ha!
इन्हें किसने रिसीव किया था? सर, इन्हें आज ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन ये एक दिन पहले ही आ गए थे। क्या एक दिन पहले ही आ गए थे? हाँ सर। वो यहाँ पर कैसे आए, पुलिस स्टेशन का दरवाजा किसने खोला, किसी को नहीं पता सर। साहब, उनका कटा सर यहाँ है। भगवान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप किसके सहारे जी? जाओ जाओ, सब लोग पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ पीछे। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। फिलहाल उनकी वाइफ का स्टेटमेंट लेकर बॉडी को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर।